आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल, तो कोमल हम ना रिव्यूज़ ले रहे हैं क्योंकि ये एज अ फीडबैक वर्क करता है हमारे लिए भी, और भी बहुत से लोग देख रहे हैं ऑनलाइन और उनको ना कई बार ऐसा होता है विश्वास नहीं होता कि नहीं ऐसा ये नहीं होता, क्योंकि आपने भी देखा होगा आज के टाइम में क्या कि एक फेक रिव्यूज़ डलवाने बहुत ईजी हैं, तो इसलिए हम इन रिव्यूज़ को ले रहे हैं ताकि ना जो भी लोग देख रहे हैं ना ऑनलाइन उनके लिए वो एज अ रियल टाइम वर्क करें। ठीक है, तो आपको कितने मंथ हो गए मेडिसिन लेते हुए? मेरे को 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर हो गया, और आपकी जो प्रॉब्लम थी वो कितना परसेंट ठीक हो गई? मेरे को ना एक्चुअली थायराइड था। थायराइड था, ओके। तो फिर मैं मेडिसिन लेती थी 100 mg, तो फिर उससे मेरे को यही होता था माइंड में कि ये कब तक चलेंगी, लाइफ टाइम चलेंगी, कैसे चलेंगी। तो फिर मैंने मैम से कॉन्टेक्ट किया, तो फिर मैम ने बताया कि ये लाइफ टाइम की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, वेद आयुर्वेदा में सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। तो फिर मैंने यहाँ से मेडिसिंस लेनी स्टार्ट करी, तो उसमें मेरे को बॉडी में अपनी में चेंजेस नज़र आए। अच्छा, कितने साल से था आपको? मेरे को लास्ट 3 ईयर्स लगा लो। लास्ट 3 ईयर्स लगा लो, ठीक है। और अब आपको कितने परसेंट रिलीफ है? मेरे को बॉडी में तो बहुत ज़्यादा चेंजेस है, लेकिन अभी रिपोर्ट में है थोड़ा, वो हो जाएगा टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं बॉडी में? वही पॉजिटिविटी। अच्छा, आपने जब से ये मेडिसिन लेनी शुरू की तो क्या आपने जो अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहे थे क्या आपने वो बंद कर दी? नहीं, वो साथ साथ चल रही है अभी, मतलब उनकी डोज कम हुई है, लेकिन एकदम से हम उनको स्टॉप नहीं कर सकते ना, तो उसकी अब पहले के कंपैरेटिवली डोज कम होती जा रही है। डोज कम हो चुकी है। ठीक है। और आपने जब मेडिसिन वगैरह ली तो क्या आपको 1% भी लगा कि इनका कोई साइड इफेक्ट है या कुछ भी आपको ऐसा नहीं? ये चीज़ तो मैम ने पहले ही क्लियर कर दी थी कि कैसे क्या होगा। अच्छा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। ठीक है। और जैसे आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना? मैंने ब्लॉग से पता चला। ठीक है। और अभी आपने, मतलब वैसे आप अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो पिछले 1 साल में आपको कितने परसेंट आपको रिलीफ फील हो रहा है? 80% आपको रिलीफ फील हो रहा है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि आयुर्वेदा स्लो वर्क करता है कंपेयर टू जो हमारी अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, या फिर लोग ये बोलते हैं कि मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन होगा? ये स्लो वर्क तो नहीं करता है, ये सही वर्क करता है, लेकिन जो नॉर्मल मेडिसिन होती है वो जल्दी फास्ट वो करती है, लेकिन दोबारा फिर हमारी जो बीमारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ क्योंकि वो उसको सप्रेस कर देती है फिर एकदम से, फिर एकदम से वो फिर से हिट कर देता है। अच्छा, और वो जो एक्सपेंसिव वाला पार्ट है उस पर आपका क्या टेक है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, वो ये तुम थोड़ा थोड़ा करके दोगे पहले, फिर एकदम से जाना पड़ेगा, इससे अच्छा स्लो सही बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच।